दोस्तों नमस्कार। हम आए हैं अपने सरसों के खेत में, जो कि सरसों है बहुत अच्छे से हुई, फूल निकल रहे हैं, कोई कीट फटेंगे नहीं लगे हैं। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, ये देखेंगे, ये जो है अभी इसमें फूल निकल रहा है, फूल निकलेगा तो उसके बाद इसमें फलियाँ लगेंगी। तो थोड़ा ध्यान देने के ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जब हवा दूसरी चलने लगती है, जैसे पूर्वी आने लगती है, इसमें कीड़े लग जाते हैं, जिसका नाम माहू होता है, सफ़ेद मक्खी होती हैं वो, और एक हरी मक्खी होती है, उसमें एक काली मक्खी होती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आप दवा का ज़रूर छिड़काव कर दीजिए, जिससे वो मर जाएँ और आपकी सरसों बच जाए। नहीं तो सब इसमें का रस का काम ही वही है कि फसल को नुकसान पहुँचाना। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। चलिए आपको दिखाते हैं, और दूसरी सरसों बोई है हमने, उसमें ज़्यादा पैदावार होती है, बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, अधिक होती है, बहुत अधिक। दोस्तों ये जो सरसों है, दूसरी सरसों है, इसके बगल में उधर देखेंगे तो वो दूसरी है, तो ये जो बड़ी थोड़ा गहरे हरे रंग की, तो इसमें अभी बहुत टाइम है, क्योंकि ये लेट वैरायटी होती है और इसमें लेकिन पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। इसमें टाइम तो लगता है थोड़ा, लेकिन इसमें पैदावार बहुत अधिक होती है। इसमें जैसे झाड़ू नुमा होती है ना, उस प्रकार से कम से कम 20-25 कल्लियाँ निकलती हैं, नहीं मान लो 50 हो जाती होंगी, फिर भी 25-30 से तो कम रहती ही नहीं है। तो इसमें जब कल्लियाँ ज़्यादा निकलेंगी तो पैदावार ज़्यादा, और तेल भी ज़्यादा अच्छा होता है, इसका तेल भी ज़्यादा निकलता है सरसों से। तो आप भी सरसों को अगर आप बोना है, आपको बोने की इच्छा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको नाम बता देंगे इस सरसों का। और सरसों की वैरायटी बहुत अच्छी है, आप देखेंगे इधर पूरा जो दिख रहा है, वहाँ तक पूरा दिख रहा है, पूरा जो दिख रही वहाँ तक सरसों। उसके बाद उधर दूसरी सरसों है, जिसको हमने भी इस बार एक नया मिला थोड़ा बीज, तो इसको हमने बोया। अगली बार इसको हम एक बीघे खेत में डालेंगे बीज को, तो क्योंकि उस सरसों से ये सरसों बहुत अच्छी है। इसलिए आप भी अगर अच्छी खेती करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कमेंट जरूर कर लीजिए।